प्रथम तहलका न्यूज। करनाल में फसल अवशेष प्रबंधन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इसी कड़ी में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गेहूं की सीधी बिजाई करने वाली 15 हैप्पी सीडर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये मशीनें उप कृषि निदेशक के कार्यालय से प्रत्येक खंड में दो दो भेजी गई है। इन मशीनों को संबंधित खंड कृषि अधिकारी किसानों से संपर्क कर निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इस मशीन को किसान खेत में ले जाकर गेहूं की सीधी बिजाई करने में सक्षम होंगे। इस बात की जानकारी करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने दी। रहेगा कि जिन जिन के पास ये एग्रीकल्चर मशीनरी उपलब्ध नहीं है, वो ब्लॉक ऑफिस से आकर के अपना ट्रैक्टर ला करके और हैप्पी सीडर साथ ले जा सकते हैं और पराली को जो है पूरी तरह से पराली के साथ ही ये बिजाई करेगा। किसी भी सूरत में हमें पराली नहीं जलानी है। पराली के साथ साथ जो तरीके इंसिटू और एक्सिटू पराली मैनेजमेंट के, वो हमने अपनाने। मशीन के बारे में उपायुक्त ने बताया कि मशीन से धान की कटाई के बाद खेतों में अवशेष के बीच में ही गेहूं की सीधी बिजाई की जा सकती है, जो मैनुअल तरीके से की गई बिजाई से कहीं ज्यादा बेहतर है। लाइनों में और प्रॉपर बिजाई से गेहूं की पैदावार भी ज्यादा निकलती है और धान के अवशेष मिट्टी में मिलकर एक बेहतरीन खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने 15 हैप्पी सीडर यहाँ हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। ये हैप्पी सीडर्स किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे किसान अपना ट्रैक्टर ला करके और उन हैप्पी सीडर्स को साथ ले जा सकता है। ये जो इंसिटू मैनेजमेंट है हमारा पराली प्रबंधन का, उसका एक अच्छा तरीका है। हैप्पी सीडर जो है वो पराली के साथ साथ ही जो अगली फसल है उसकी बिजाई करने में सक्षम है और इसलिए जो मान्य है उनमें आग लगाने की प्रथा को बिल्कुल रोका जा सकता है। इस मशीन के बारे में आपको बता दें कि इन मशीनों को विभागीय स्तर पर फरवरी 2018 में खरीदा गया था और साल 2018-19 में कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए खरीदी जाने वाली मशीनों में हैप्पी सीडर मशीन को मैंडेटरी किया गया था, ताकि इन सीटू मैनेजमेंट यानी फसल अवशेषों को मिट्टी में ही मिला देने का तरीका किसान अपना सके। इस मशीन से बिजाई करने पर किसान का खर्चा और मेहनत दोनों ही कम लगते हैं। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।